बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की साइंस की बुक पर है और ये है जी हमारे पास फैक्ट फाइल। बेसिकली बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम, इसकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सब बच्चे पेज नंबर 20 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? पौधों का कौन सा हिस्सा है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को अंदर ले लेता है अपने? तो वो है रूट। वट आर वेस्कुलर बंडल मेड ऑफ? वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं? तो ये आंसर है इसका जाइलम एंड फ्लोएम। द रूट जॉब ऑफ रूट हेयर्स इज टू, रूट हेयर का काम क्या है वो बताना है आपने। इंक्रीज द एरिया ऑफ द रूट्स। वट इज द नेम ऑफ ग्रीन केमिकल विच एब्जॉर्ब सन लाइट इन प्लांट्स? एस उस ग्रीन केमिकल का क्या नाम है जो कि सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है पौधों के अंदर? तो आंसर है क्लोरोफिल। इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डज रिस्पायरेशन टेक प्लेस? पौधे के किस प्लांट सेल के कौन सा जो हिस्सा है उसके अंदर रिस्पायरेशन का जो अमल है वो होता है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी ट्रू फॉल्स। पहले है फ्लोएम इज अ डेड टिश्यू, जाइलम इज अ लिविंग टिश्यू। फॉल्स। शुगर सॉल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन अ प्लांट एट द सेम टाइम। ट्रू। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपने बताना है कि ये करेक्ट है या फॉल्स है, मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। रिस्पायरेशन ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फॉल्स। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा लोकेटेड ऑन द अपसाइड अदर साइड ऑफ लीव्स। ट्रू। अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 21 को ओपन कर लें तमाम स्टूडेंट्स। ये हमें फिगर गिवन है और इससे रिलेटेड नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं फिगर के अकॉर्डिंगली। देखिए पहला है, वेयर डज अ प्लांट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? सॉइल। पानी पौधा कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। एक्सप्लेन हाउ वाटर गेट इन टू प्लांट रूट्स? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक्सप्लेन हाउ आर द रूट्स अडॉप्टेड टू गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल? दे हैव रूट हेयर्स विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया। हाउ डज वाटर ट्रेवल अराउंड अ प्लांट? थ्रू जाइलम। वट डज प्लांट यूज वाटर फॉर? इन फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। अब आपने नेक्स्ट भी, आपके पास कुछ फिगर है और फिगर के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है, डिस्क्राइब वट हैज़ हैपन्ड टू द पोटैटो पीस इन वाटर, इट्स लेंथ इंक्रीजेस। शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? इट्स लेंथ डिक्रीजेस। व्हाट मेक्स वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? वाटर मूव्स थ्रू स्टोमेटा। नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। आगे भी हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। एक्सप्लेन व्हाई पोटैटो पीस इन वाटर इज फिर्म एंड रिजिड बट वाटर पोटैटो पीस इन द शुगर सॉल्यूशन इज फ्लॉपी। पोटैटो पीस इन वाटर हैज़ मोर वाटर बट पोटैटो पीस इन शुगर लूजेज वाटर। लास्ट क्वेश्चन, अ प्लांट दैट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन अपराइट एंड वेल सपोर्टेड, अ प्लांट दैट इज शॉर्ट ऑफ वाटर स्टार्ट टू विल्ट, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस। बिकॉज द वाटर चेन इन द जाइलम बिकम थिनर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो डायग्राम से रिलेटेड है। इससे हमें बच्चों पता चलेगा कि अगर आप पेपर में डायग्राम आ जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। पहला है, नेम द रॉ मटीरियल ए एंड बी। आंसर है वाटर एंड मिनरल। वाटर यहाँ से और बी पार्ट मिनरल इधर से।
नेम द प्रोडक्ट डी एंड ई, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वट डज द एरो लेबल्ड सी रिप्रेजेंट? सनलाइट. राइट द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गोज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी. लास्ट क्वेश्चन, टेबल के अकॉर्डिंगली जवाब देना है आपने. विच सिंगल वेदर कंडीशन कॉजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? मूविंग एयर. स्लोएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? मॉइस्ट एयर. हाउ मच ग्रेटर इज द ट्रांसपायरेशन रेट इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर? 10 times. हाउ मच स्मॉलर इज द ट्रांसपायरेशन रेट इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर? 6 times. What sort of a day which causes the rate of fastest rate of transpiration? A day which has moving air. तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो. इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.